अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। वहीं जब उनसे शरद पवार के स्कैम में फंसे होने की बात कही, उन्होंने इसकी जानकारी ना होने से इनकार कर दिया। वहीं हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें अतृप्त आत्मा कहे जाने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, आचार्य प्रमोद भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। न्यूज लाइव एमपी के लिए ग्वालियर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। आज मतदान हो रहा है, मतदान दोनों महाराष्ट्र और हरियाणा होने के बाद उसके बाद चर्चा करेंगे। मैं दोनों राज्यों में प्रचार करने गया था, महाराष्ट्र में भी मैं गया था, मुझे लगता है नतीजे अच्छे आएंगे। खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.news